स्तंभेश्वर मंदिर गुजरात के गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर दूर जम्बूसर के कवि कम्बोई गांव में मौजूद है। गांधीनगर से इस जगह तक पहुंचने में आपको ड्राइव करके 4 घंटे का समय लगेगा और इस मंदिर का इतिहास 150 साल पुराना है। दुनिया भर में भगवान भोलेनाथ के कई स्वरूप है। महादेव के कई मंदिर भारत भर में मशहूर है। आज तक आपने भी कई मंदिरों के दर्शन किए होंगे, लेकिन गुजरात में एक ऐसा मंदिर है जो दिन में केवल 2 बार दर्शन देता है और फिर जलमग्न हो जाता है। यहाँ पानी भी शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर किए दिन में 2 बार गायब हो जाता है और फिर अपनी जगह दिखने लगता है। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जमा होती है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर इस मंदिर के पीछे का रहस्य क्या है। शिव पुराण के अनुसार ताड़कासुर नाम का एक असुर था जिसने अपनी तपस्या से भगवान शिव को खुश कर दिया था। इसके बदले शिवजी ने उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। शिवजी ने उसे ये वरदान दिया था कि उस असुर को शिव पुत्र के अलावा कोई और मार नहीं सकता। ये वरदान मिलने के बाद चारों तरफ ताड़कासुर का आतंक फैलने लगा। असुर के आतंक से परेशान होकर देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनने के बाद श्वेत पर्वत कुंड से कार्तिकेय ने जन्म लिया और उस असुर का वध कर दिया। लेकिन वह असुर एक शिव भक्त था। ये जानकारी मिलने के बाद कार्तिकेय को बड़ा पछतावा हुआ और उन्हें बहुत ग्लानी और दुख पहुंचा। कार्तिकेय को जब इस बात का एहसास हुआ तो उन्हें इस बात का पछतावा होने लगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें प्रायश्चित करने का मौका दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि जहां उन्होंने असुरों का वध किया है वहां शिवलिंग की स्थापना करें और इसी तरह इस मंदिर को स्तंभेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। भले ही भारत में समुद्र के अंदर कई तीर्थ स्थल हैं, लेकिन ऐसा कोई भी मंदिर नहीं जो पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। हालांकि स्तंभेश्वर मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जो दिन में 2 बार पानी में डूबता है। इसके पीछे का कारण प्राकृतिक है। दरअसल दिन में 2 बार पानी का स्तर बढ़ता है तो मंदिर डूब जाता है। तो दोस्तों ये थी स्तंभेश्वर महादेव की अद्भुत कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को आगे बढ़ाएं, हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं। कमेंट्स में जरूर से लिखें हर हर महादेव।